हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल सूट की कटिंग करना। फ्रंट और बैक में आपको एक साथ कटिंग करना बताऊंगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है। इसको ऐसे हम खोल लेते हैं। और इसका उल्टा और सीधा देख लेते हैं। तो ये हमारा उल्टा साइड है, तो हमें इसको ऊपर की साइड रखना है। जो हमारा उल्टा साइड होता है हमेशा हम उसको ऊपर की उस साइड में रखते हैं। अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इसे चौड़ाई में फोर्थ फोल्ड कर लेना है। फोर्थ फोल्ड हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें फ्रंट और बैक एक साथ में काटनी है। तो हम इसको अच्छे से बिछा देंगे ताकि इसमें एक भी सिंक ना रहे। तो देखिए मैंने फोर्थ फोल्ड कर लिया। 1 2 3 4 खुला वाली साइड में हम इधर रखेंगे और बंद साइड अपनी साइड में रखेंगे। अब जो इसकी चौड़ाई है फोल्ड की मैंने रखी है 9.5। बॉटम होगा हम उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये हमारी मार्जिन होगी। अब देखिए हमारे सूट की लंबाई है 36 इंच, लेकिन हम यहाँ लेंगे 2 इंच मार्जिन। ऐसे ही निशान लगा देंगे। दोनों तरफ से निशान लगाने से ये होता है कि कभी हमारा निशान तिरछा नहीं होता। ये देखो हमारी फिटिंग है और ये हमारी मार्क है। अब देखिए हम दोनों साइड से इसको ऐसे निशान को मिला लेंगे। तो जी ये हमारी लंबाई का निशान लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो जी अब हम जो नीचे से बॉटम फोल्ड करते हैं उसका निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 14, 14 को हम हाफ कर देंगे तो 7। तो अब हम लंबाई में भी ऐसे ही 7 का निशान लगा देंगे। और इस साइड से भी और इस साइड से भी। और अब हम इस निशान को मिला देंगे। और इस लाइन को भी हम मिला देंगे क्योंकि ये लाइन हमारी चेस्ट लाइन होती है। अब हम वेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे जैसे यहाँ से 7। इस साइड भी हम 7 रखेंगे। वेस्ट लाइन हमारी 17.5 है तो उसका हम हाफ कर देंगे 8.5। हम 8.5 पे ऐसे निशान लगा देंगे। और हम इस सीधी लाइन खींचते हैं इस तरह से। चेस्ट लाइन से हिप लाइन की लंबाई हम 13 लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा देंगे। हिप लाइन की चौड़ाई हमारी 19 है तो हम हाफ ले लेंगे उसका 9.5। इस तरह से तरीके से निशान लगा देंगे और ऐसे मिला देंगे।
यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन लेते हैं। अब हम इसको मिला देंगे हल्का गोल शेप में इस तरह से। हम गले का निशान लगाएंगे, गले की सही गोलाई देने के लिए यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमेशा हम 2 इंच का मार्जिन देते हैं, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से हम एक ही इंच जो भी कपड़ा है उसी में हम इसको शेप दे देंगे। फिटिंग लाइन है और ये हमारा मार्जिन। अब हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे गुटका कर देंगे। अब हम ऐसे इसमें निशान लगा देंगे। उसी तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे। दोनों बाजू हम एक साथ कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। हमने बाजू बनाने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4। अब हम बाजू की लंबाई को नापेंगे। बाजू की लंबाई हमें 16 रखनी है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बाजू की लंबाई नाप लेंगे। 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। इधर भी हम इसी तरह 1.5 इंच पे मार्जिन लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन का निशान है और ये हमारी फिटिंग का निशान है। इनको भी हम ऐसे ही मिला देंगे। अब हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे बाजू की गोलाई देने के लिए। अब हम इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। बाजू की गोलाई हमारी 11 है तो हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। जी हमारी बाजू भी कट के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।